इंसान की ये वाइल्ड कार्ड वाली बातें सुन के एल्विश यादव को क्या बुरा लगा? काफी सारी चीजें आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, पर मैंने नोटिस की और बहुत सारे लोगों ने भी ये चीजें कहीं ना कहीं नोटिस भी की हो सकती है। तो जिस तरीके से ये पूरा दिखाया गया और एल्विश का मैटर दिखाया गया, और मैंने एटलीस्ट वीकेंड की वार की शूट जब स्टार्ट हो रही थी तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फुकरा इंसान के ऊपर सलमान खान इस मैटर के ऊपर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब चीज़ें दिखाया गया तब वो किचन में थे, फुकरा इंसान, एल्विश, जिया भी आई वहाँ पर, मनीषा भी थी एपिसोड में दिखाया गया। और एल्विश ने बोला कि यहाँ पर हम क्या मूँगफलियाँ छीलने आए हैं? भाई कहाँ हैं हमारी मूँगफलियाँ, मूँगफलियाँ छीलते हैं चलो, ये चीज़ जो है बोलते हुए एल्विश नजर आए। फिर जो है एल्विश ने अपना एक अलग साइड जो है दिखाया, वो खड़े हैं एक दूसरे के साथ, वो खड़े हैं, पर एक इसके ऊपर जो है सोने पे सुहागा बोले या ये आग में तेल डालने की बात बोले वो अविनाश ने डाल दी। अविनाश ने पूछ लिया जो कि क्लियर मन से निकला कि भाई ये कैसे इंटेंशन सही हो सकती है। एल्विश ने वहां पे बोला भाई मेरे को बुरा तो लग रहा है पर सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए। अब जो है यही बातें एल्विश ने जाके पूछ ली कि भाई तू मुंह पे बोल देता मेरे, तुझे जब पूछा गया था, क्योंकि फुकरा इंसान ने एक बात बोली थी कि भाई अगर मैं नहीं बनूं ना विनर तो मैं तुझे बनता हुआ देखना चाहता हूँ विनर। ये बात फुकरा इंसान ने बोली है, अपनी जुबान से निकाली है और इसके साक्षी काफी सारे लोग होंगे और मैंने भी ये बात सुनी है। तो वहीं पर एल्विश यही बात बोल रहे थे कि भाई मेरे मुंह पे बोल देता, जब मैंने तुझे बात पूछी थी तब क्यों नहीं बोला? तो बोला मैंने तो तुझे बोला है कि टॉप थ्री कौन है, हाँ तो मुझे निकाल ही देता ना वहां से, तू मुझे बोलता तू वाइल्ड कार्ड है, तू इसमें भी नहीं है, वहां से निकाल देता। तो ये कहीं ना कहीं ये चिंगारी जो मेकर्स ने लगाने की कोशिश की, जो दरार लाने की कोशिश की है, वो चिंगारी तो लग चुकी है। जैसे कि मैंने पिछले वाले भी अपडेट में आप लोगों को ये बात बोली है कि चाहे ये भाइयों के जैसा घर के अंदर रहें, क्योंकि अब बहुत कम दिन है क्यों लड़ाई झगड़ा करना, और एल्विश ने बोला कि वो मेरा भाई के जैसा सॉफ्ट कॉर्नर है, पर बाहर जो ऑडियंस है, जो अभिषेक और एल्विश की ऑडियंस है, वो डेफिनेटली भाईचारा नहीं करेंगे। अब दोनों जो है लड़ने वाले हैं, पहले भी लड़ रहे थे, अब रीजंस मिल चुके हैं। क्या कहते हैं आप, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।